हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन ट्रेन सिमुलेटर में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से पटना की तरफ चलती है, और हम इसको चलाएंगे यार नई दिल्ली से कानपुर। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज हमारी तेजस राजधानी को खींचने वाला है वेब 7 गाज़ियाबाद का। तो हमें सिग्नल मिल चुका है, डिपार्ट करते हैं। हॉर्न दे दिया, हमारी राजधानी डिपार्ट कर गई। बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है इसका और ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा, तो इसमें लगे रहिएगा। तेजस राजधानी एक्सप्रेस वो है, पहले तो राजधानी एक्सप्रेस के डब्बे लाल लाल होते थे, अब कुछ के येल्लो होने लगे हैं। इसी वजह से जो येल्लो है उसका नाम तेजस दे दिया, और जो लाल है वो लाल है ही भाई। तो हमारी ट्रेन नई दिल्ली से डिपार्ट कर लिया इसने अपने शेड्यूल टाइम पर, जो कि है 5:10 पे, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कानपुर सेंट्रल। धीरे धीरे हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है स्टेशन से। ब्रेक व्रेक सब रिलीज हैं और नई दिल्ली स्टेशन इसने डिपार्ट कर लिया। भाई राजधानी एक्सप्रेस एक तो टॉप की प्रायोरिटी की ट्रेन है, जिसको सारी ट्रेनों को रोक दिया जाता है इसको रास्ता देने के लिए। और दूसरा, इसकी इस टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको 130 पर ही चलाएंगे गाज़ियाबाद के बाद इसे 130 पर चलाएंगे। अभी तो गाज़ियाबाद तक की लिमिट जो है हमारी 100 किलोमीटर पर आवर है, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम इसको टाइम पर चलाएं। हमारी ट्रेन नई दिल्ली से निकल गई, तिलक ब्रिज की तरफ बढ़ रही है, शिवाजी ब्रिज और तिलक ब्रिज की तरफ, जो कि नई दिल्ली का आउटर है। ये मेन लाइन पर आ गए, आगे हमारे पास लिमिट है 75 किलोमीटर पर आर की, जो कि 75 पर ही हम इसको चलाएंगे। नई दिल्ली से ट्रेन डिपार्ट कर गई भाई, तेजस राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से डिपार्ट करते हुए प्लेटफॉर्म इसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। दिल्ली के आउटर पर आ गई ट्रेन, आ रही है पीछे से। पहला जो स्टेशन इसको स्किप करना है वो ये रहा। लिमिट मिल गई, स्टेशन क्रॉस कर लिया, इसको बढ़ाते हैं, थ्रोटल देते हैं। जो ट्रैक चेंज वगैरह करने थे वो भी कर लिए इसने। नई दिल्ली को तेजस बाय बाय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर निकल रही है। पहला स्टेशन स्किप कर लिया गाइस, कमेंट में बताना है कि पहला स्टेशन कौन सा स्किप करती है ट्रेन नई दिल्ली से निकलने के बाद, इसको बताना ज़रूर। ट्रेन स्पीड गेन कर रही है और 45 की स्पीड पर आ गई ट्रेन तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अभी थोड़ा वैसा सिटी वाला एरिया है, तो यहाँ ट्रेन को तेज़ भगा भी नहीं सकते। जैसे आउटर में निकलेंगे फिर दिखाएंगे राजधानी एक्सप्रेस होती क्या है। हाँ दूसरा स्टेशन यहाँ पे स्किप होने वाला है और इसको ट्रेन स्किप करेगी। फिलहाल तो इसकी स्पीड की जो लिमिट है वो 75 की है, और हमारी ट्रेन जो चल रही है 55-65 थ्रॉटल बढ़ाते हैं, और येलो सिग्नल है भाई, ऑटो सिग्नलिंग है इस रूट पर नई दिल्ली के आउटर एरिया पे। ऑटो सिग्नलिंग यानी कि जब
ट्रेन पटरी से आगे चली जाती है सिग्नल क्रॉस करके, तो ग्रीन हो जाता है अगर सिग्नल को क्लियरेंस मिल जाती है तो। नेक्स्ट स्टेशन भी इसने स्किप कर लिया एट 67 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, और नई दिल्ली को पूरी तरीके से ये क्रॉस कर चुका है अप्रॉक्स अगर माना जाए। और यहाँ से ट्रेन चल रही है भाई, निकल गई यहाँ से तो ट्रेन। धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो गई, थ्रोटल गिराते हैं क्योंकि आगे 50 की लिमिट है, तो 50 पे लाना है, 50 पे आ जा भाई। धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे ब्रेक लगा दिया। ऊपर जो ब्रिज है ये दिल्ली मेट्रो का है, दिल्ली मेट्रो जाती है ऊपर से। धीरे धीरे प्रगति मैदान की तरफ बढ़ते हुए, प्रगति मैदान के जो वाली साइड है वो वहाँ से तो हज़रत निज़ामुद्दीन जो मुंबई वाला रूट है वहाँ निकल जाता है, और हम जाएंगे ईस्ट की तरफ, उत्तर प्रदेश ईस्ट की तरफ निकलेंगे हम यहाँ से। 50 की स्पीड पर हमारी ट्रेन चल रही है धीरे धीरे, ज़्यादा धीरे हो गई, थ्रोटल बढ़ाओ। प्रगति मैदान है सामने, उधर जाती है ट्रेन मुंबई एंड चेन्नई ट्रंक रूट्स, WRCR, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। प्रगति मैदान हो रहा वहाँ पर, हमारी ट्रेन आ गई भाई यहाँ पर। क्या यमुना ब्रिज को क्रॉस करेगी, थ्रोटल कम कर लेते हैं। यमुना ब्रिज आ रहा है भाई, दिल्ली गुड्स अवॉइडिंग लाइन, ये नीचे रोड जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है उस्ताद, बहुत बढ़िया लग रहा है। उधर आ गया यमुना ब्रिज, ये वाली जो लाइन है दिल्ली गुड्स अवॉइडिंग लाइन, यानी कि जो मालगाड़ियाँ जाएंगी दिल्ली में ना आए, गाज़ियाबाद की तरफ से जाती हैं और दिल्ली में ना जाकर आउटर में निकल जाएंगे, तो उससे दिल्ली का जो ट्रैफिक है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेन ऊपर चढ़ रही है भाई, कैबिन में बैठ जाते हैं, हॉर्न देते हैं। ट्रेन ऊपर चल रही है तो थ्रोटल और बढ़ाते हैं। दिल्ली का पूरा आउटर क्रॉस कर लिया है, हमें लिमिट मिलने वाली है 100 किलोमीटर की। अब हम इसको यहाँ से ट्रेन को भगाएंगे और 100 किलोमीटर की स्पीड पर हम इसको चलाएंगे यहाँ से। वो सामने से ट्रेन आ रही है, डीजल आ रही है धुआं उड़ाते हुए। इसमें लोको लगा हुआ है भाई, WDP 3 है, ग्रीन वाला WDP 3 है लोको इसमें लगा हुआ है। और एक्सप्रेस ट्रेन हमें यहाँ से क्रॉस कर रही है उत्कृष्ट कोचिस के साथ, एक्सप्रेस ट्रेन चली गई, हमें भी 100 किलोमीटर मिल गई। थ्रोटल बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, वो जा रही है वहाँ से, ये दिल्ली की तरफ जा रही है वाली ट्रेन, और नई दिल्ली की तरफ हमें क्लियरेंस मिल चुकी है, तो हम ट्रेन को चलाएंगे पूरी स्पीड पर, पूरी स्पीड यहाँ पे नहीं 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हम इसको चलाने वाले हैं वाले रोड पर। तो हम नई दिल्ली से काफ़ी आगे आ चुके हैं और आनंद विहार आने वाला है। ये कौन सी ट्रेन आ रही है, लगे सामने से ट्रेन आ रही है भाई। आनंद विहार स्टेशन आने वाला है, इसको हम क्रॉस करेंगे। आगे रेड सिग्नल आया तो स्पीड भी हल्की करनी पड़ेगी, थ्रोटल गिरा देते हैं, 0 कर दिया थ्रोटल। वाह
आ गया आनंद विहार। आनंद विहार को हम क्रॉस कर रहे हैं 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर, और इधर दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी हुई है। और ये ट्रेन नहीं है, ये तो लोको खड़े हुए हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोको खड़े हुए हैं वही यहाँ पर। कितने कहाँ जा रहे हैं इतने सारे, इन्हें भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, ये भी चल दिया। 8 लोगों, सोचो 8 लोगों की पावर कितनी होगी, बहुत खतरनाक पावर भाई। अब हम ऊपर चढ़ेंगे, यहीं रोक लेते हैं ट्रेन क्योंकि आगे रेड सिग्नल है और ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ट्रेन का भाई, बहुत तेज़ वो है। रेड सिग्नल मिला हुआ है इसको यहाँ पर, और धीरे धीरे लगा दिया, हमारी ट्रेन रुक गई, ब्रेक रिलीज कर दिया, थ्रोटल बढ़ाते हैं थोड़ा सा ताकि हल्के हल्के ये चढ़े। यार इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी इसके 2% ग्रेडियंट पर, बढ़ता ही जा रहा है तो ग्रेडियंट भाई। आगे रेड सिग्नल है ट्रेन को, कोई ट्रेन शायद आगे ट्रैक चेंज कर रही है और हमारा रास्ता क्लियर करेगी, देखते हैं। अगर आप नई दिल्ली से होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो ट्रेन चढ़ती है तो वो बहुत धीरे धीरे चढ़ती है अगर उसे रेड सिग्नल मिल जाए, यही हाल यहाँ हो रहा है। साहिबाबाद जंक्शन आने वाला है और हमारी ट्रेन आउटर पर खड़ी है ऊपर पहाड़ी पर रेड सिग्नल के सामने। यार तो बहुत मुश्किल से चढ़ रही है भाई, ऐसे कैसे चलेगा ऊपर से रेड सिग्नल। लोगों ने तो पावर भी लेनी बंद कर दी, अब ब्रेक लगा देते हैं भाई, थ्रॉटल जीरो कर दिया, ब्रेक लगा दिए, हमारी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर। देखते हैं आगे कौन सी ट्रेन है जो इसे इसका रास्ता रोक रही भाई। ये वाली ट्रेन जा रही है तो खड़ी हुई है यहाँ पर, आगे क्यों नहीं जा रही भाई, तेरे चक्कर में भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा। साहिबाबाद स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है, इसे सिग्नल नहीं मिला, मिल जाएगा इसको सिग्नल, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। गाइस हमें सिग्नल तो आगे मिल गया पर ये ट्रेन चढ़ नहीं पा रही है, तो इसको पीछे उतारना पड़ेगा और फिर इसको नीचे उतार के फिर चढ़ाएंगे। तो ट्रेन धीरे धीरे पीछे आ रही है भाई, बहुत दिक्कत हो गई। नीचे काफी ऊपर चढ़ने के बाद रेड सिग्नल का मसला बहुत बेकार है यार, इसमें बार बार ट्रेन ऊपर अटक जाती है आगे। थ्रोटल देंगे भगाएंगे यार, सिग्नल तो ग्रीन मिल गया हमें आगे, ट्रेन साइड हो गई, अब आगे चली गई ट्रेन, पता नहीं क्या हुआ लेकिन हमारी ट्रेन पीछे जा रही है भाई। बताओ राजधानी का यार गेम है भाई, गेम क्या कर सकते हैं, एक बार ही लग जाए वहाँ और फिर इसको फुल थ्रोटल देंगे, इसको ऊपर चढ़ाते हैं पहाड़ी पे, एकदम से चढ़ नहीं पा रही थी ना ट्रेन,
आनंद विहार स्टेशन तक आ गई है। तो ट्रेन पूरी तरीके से नीचे उतर गई, इसको ब्रेक लगाते हैं और फिर इसको आगे चढ़ाते हैं। भैया चल भाई, चढ़ाए से अपनी ट्रेन पर। पावर तो फुल है भाई इसमें, देखते हैं चढ़ पाती है या नहीं। उम्मीद तो बुरी है कि ट्रेन चढ़ जाए ऊपर। अरे खड़ी चढ़ाई है ना, तो एक ही लोगो लगा हुआ है, एकदम से चढ़ नहीं पाती, समझ रहे ना। फिर भी हम इसको पावर देंगे, यह है कि एक बार फ्लैट सरफेस पे आ जाएगी ट्रेन तो फिर लोगों अपने ट्रैक्शन पावर से आगे इसको हॉल कर लेगा, फॉरवर्ड हॉल करेगा। यहाँ तक तो भाई आ गई ट्रेन सही, थोड़ा सा थ्रोटल, धीरे धीरे थ्रोटल देंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं वरना व्हील स्लिप करेगा। चढ़ रही है, चढ़ रही है, ग्रेडियंट बहुत 2.6% का ग्रेडियंट है ऊपर चढ़ने का, फिर भी ट्रेन चल रही है धीरे 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 धीरे। और ट्रेन सक्सेसफुली ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ से अपनी राजधानी, इस वजह से 10 मिनट लेट हो गई ट्रेन, लेकिन फिर भी हम इसको फुल थ्रॉटल देंगे, इसको ओवर स्पीडिंग करके इसके डेस्टिनेशन पर पहुँचाएंगे। अमेलिया से डाउन ग्रेडियंट नीचे उतरने वाला, अब भागेगी फुल स्पीड पर। हम इधर से थ्रोटल दे देते हैं ताकि एकदम पकड़ ले स्पीड। साहिबाबाद जंक्शन आने वाला है, साहिबाबाद के आउटर की चढ़ाई हमने पूरी कर ली। अब हॉर्न दे देते हैं, हमारी ट्रेन आ रही है फुल स्पीड पर, गेन कर रही है ट्रेन स्पीड, भाग रही है भाग रही है। येलो सिग्नल मिल गया, आगे फुल क्लियरेंस है हमारे पास। उसी एक ट्रेन की वजह से जो आती पटरी पर इधर हमारी वाली लाइन पर खड़ी हुई थी, इस वजह से वहाँ रोकनी पड़ी, इसे ट्रेन को बहुत दिक्कत हुई भाई। जहाज में तो आ गया स्टेशन मास्टर, ट्रेन उतर गई ढलान से बहुत दिक्कतों के बाद। इधर मालगाड़ी खड़ी है इधर साइड पर, और साइड पर भी है क्या, इधर वाली तो निकल गई ट्रेन। इस साइड पर मालगाड़ी खड़ी हुई है ग्रीन EMD लोगों के साथ, एक्सप्रेस कार्गो है जो कि साहिबाबाद के लिए ही बाउंड था। अब हम स्पीड पर चलाएंगे ट्रेन को, आज स्टेशन क्रॉस कर लिया भाई। ट्रेन अपनी फुल स्पीड पर गेन करते हुए, ट्रेन काफ़ी लेट है तो हम 100 की उस पर 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हम इसको ट्रेन को चलाएंगे।